हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज डिस्कस करते हैं एक स्मॉल कैप स्टॉक जिसका नाम है एक्सआरओ टाइल। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे और उसका रिव्यू भी दे दिए थे कि अभी चलते हैं उसका चार्ट के ऊपर। हम लोग पहले क्या डिस्कस किए थे और क्या हम लोग जब डिस्कस किए थे, वीडियो शायद था 19 सितंबर के आसपास, अब एक महीने से पहले। तो हाँ, यही 19 सितंबर या फिर 9-13 सितंबर होगा शायद, इसी प्राइस के आसपास, 111-115 ऐसा कुछ था उस टाइम, उसी प्राइस के। हम लोग उस टाइम डिस्कस किए थे कि ये स्टॉक काफी करेक्शन हो चुका है आईपीओ आने के बाद, तो यहाँ से ये, क्योंकि बहुत बार ये 100 वाला जो बैंड है, 100, 110, 105 ये वाला जो रेंज है उसको बहुत बार टच करके ऊपर की तरफ मूव करने का कोशिश कर रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे उस टाइम यहाँ से और ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे चलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। मार्केट के गिरावट के से वो थोड़ा नीचे आ गया, जो 100 रुपए का लो है वो फिर से टच किया, वहां से फिर ऐसे हुआ। ये स्मॉल कैप स्टॉक एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता, ऊपर नीचे उस टाइम भी हम लोग बात किए थे कि थोड़ा ऊपर नीचे होगा, और 100 रुपए का जो स्टॉप लॉस कोई रख सकता है, कोई 110 का रख सकता है। अगर फिर से रिटर्न आएगा तो हम फिर से परचेस करके परचेस कर सकते हैं। इस रेंज में से वो सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चल गए। अब 1-2 महीने में अभी आप देख सकते हैं ये कितने का, अगर 100 से भी देखेंगे तो 23% का रिटर्न, यहाँ से देखेंगे तो 35% का रिटर्न हो चुका है। तो ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए था, जो था जिसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना होगा, लेना लिया होगा, वो वहां तक एक हो गया, 30-35% का रिटर्न हो गया। और भी एक एक आधा बार ऊपर जा सकता है ये, यहाँ से इसी रेंज से 135, 1 से इसी एक बार करेक्शन कर सकता है। फिर ये नॉर्मली जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है, ये 1-2 बार अभी कोई बड़ा परचेज हुआ, ऊपर चला गया, फिर से अभी करेक्शन करेगा, यहाँ से आके फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, ये 200 जैसे 120, 110 के प्राइस में आके ऐसे ऐसे घूम फिर से चलेगा। ये कैंडल कंफर्म कर दिया कि इसमें बड़े प्लेयर अभी परचेज कर लिए, तो आगे चल के ये नीचे होने से भी फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये कैंडल वही कंफर्म कर दिया, इसमें परचेज हुआ है अभी, तो ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी तो इसमें आ गया मूव, अभी कुछ फायदा नहीं है। अगर फिर से दोबारा करेक्शन करेगा फिर उस टाइम हम देखेंगे, अभी लॉन्ग टर्म के लिए जब करेक्शन होगा, जैसे ही डीप होगा 118, 110 इसी रेंज से, 100 टच करना शायद नहीं करेगा, ये 105, 110 से फिर से एक बार टच करके फिर से ऐसे ऊपर मूव करेगा। मैं यही दिखाने चाहता था कि एक बार स्मॉल कैप स्टॉक एक नीचे का रेंज जब बनाता है, फिर आगे के तरफ चलता है, तो फिर धीरे धीरे बड़ा मूव देता है। तो ये उस टाइम जो वीडियो देखे होंगे या इन्वेस्ट किए होंगे, तो उनको अच्छा खासा अभी एक बेस अमाउंट प्रॉफिट मिल गया होगा। इसके ऊपर वो आगे भी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अच्छा प्राइस और भी एक रेंज है 110 से 120 के अंदर, जब ये करेक्शन होगा फिर से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया वीडियो, आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। ये तो वीडियो था 16 सितंबर को, ये वीडियो था, आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें भी लिखा था कि स्मॉल कैप स्टॉक एक्सआरओ टाइल्स इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये वाला रेंज आ गया, लॉन्ग टर्म के लिए कोई किया होगा तो उसको धीरे से रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाला अभी उसमें से निकल सकते हैं, या 150 तक जाएगा तो वहां से निकल सकते हैं, तो उस सबका अपना अपना मर्जी। तो ये हो गया एक्सआरओ टाइल्स के बारे में। ये टाइल्स जो होता है वो रेगुलर यूज होता है, आज के डेट में इंडिया में होम सेक्टर बहुत बूम है, सभी लोग घर बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे, तो ये जो सेक्टर है उसमें हमेशा से चलता है, और इसका प्रॉफिट भी ठीक ठाक है कंपनी का, आगे चलकर और भी प्रॉफिट करेंगे। ये रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल जब बहुत भी आ गया इसका एक्सएल होटल्स का, तो घर जब जितना ज्यादा सेल होगा तो वो प्राइस में आपको दिखेगा। तो ये था एक्सएल होटल्स, तो जिसको इसी जैसा स्मॉल कैप में स्टॉक में स्मॉल कैप स्टॉक चाहिए तो मेरा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टाइम टू टाइम डेली बेसिस, वीकली बेसिस स्टॉक में रिव्यू करते हैं, स्टॉक नया नया स्टॉक ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, और आपको इन्वेस्टमेंट मिलने का स्कोप रहता है इसमें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक और भी बहुत सारे जिसमें ज्यादा डिविडेंड होता है, वो वाला कौन सा स्टॉक होता है जिसमें कॉन्स्टेंटली डिविडेंड दे रहा है वो स्टॉक, और जिसमें स्मॉल कैप स्टॉक को जो मतलब जब वो लो लगाता है उसी टाइम से धीरे धीरे परचेस करेंगे, तो वो सब तो आपको मैं धीरे धीरे जानकारी इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहेगा बिना मार्केट में रेगुलर एक्टिव यूजर होके इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरे जहाँ जो आपका प्रोफेशन है उसमें कॉन्सेंट्रेट है, इसमें भी बीच में देखते रहेंगे तो उसमें हो सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं।